हेलो फ्रेंड्स, मॉम एंजॉय फूड व्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं रेसिपी लेके आई हूँ वो है सहजन की सब्ज़ी की रेसिपी। ये देखिए, ये है सहजन, ड्रमस्टिक भी कहते हैं इसको इंग्लिश में। ये देखिए, इस तरीके से हमने इसके पीसेस कर लिए हैं और इस ये देखिए इसको अच्छे से छील लिया है हमने। तो अब हम यहाँ पर मीडियम साइज़ प्याज और लहसुन का पेस्ट बना कर रख लेते हैं तैयार। यहाँ हम बना रहे हैं मसाला का पेस्ट। तो यहाँ हमने सबसे पहले दे रहे हैं 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी का पाउडर और हम लेंगे 1 चम्मच धनिया का पाउडर और 1/4 हम लेंगे गरम मसाला और नमक स्वाद अनुसार। ये देखिए, तब तक हम कढ़ाई में भी 4 चम्मच के लगभग तेल डाल लेंगे इस तरीके से कढ़ाई में। यह देखिए, यहाँ पे हमने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मसाले को भी तैयार कर लिया है इस तरीके से। थोड़ा पानी इसमें और डालेंगे ताकि जो एक फाइन पेस्ट तैयार हो जाए। ये देखिए इस तरीके से ये एक पेस्ट बनकर तैयार हो जाएगा। इसको हमें चलाते रहना है जैसे। देखिए पेस्ट हो गया तैयार। देखिए कढ़ाई भी हमारी जो हमने तेल डाला था वो गर्म हो चुका है। उसमें हमने डाल दिया अपना मसाला। सबसे पहले हमने डाल दिया प्याज और लहसुन का पेस्ट। उसके बाद हमने डाल देंगे जो मसाला भी हमने बना के तैयार किया था। इस मसाले को हम 2 मिनट तक लगभग पकने देंगे। उसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर देंगे ताकि मसाला जो है वो हमारा लगे ना कढ़ाई में। तो इसलिए हम यहाँ पे पानी भी ऐड कर दे रहे हैं और इसको चला देंगे जैसे इसको हमने पकने देना है। उसके बाद हम इसमें सहजन जो कि हमारी ड्रम स्टिक्स है उसको हम इसमें ऐड कर देंगे। देखिए हमने सारी की सारी जो भी कट करके रखी थी वो इसमें ऐड कर दी है। देखिए इसको हम अच्छे से चला लेंगे 2 मिनट तक। इसको भी हम इसके साथ फ्राई कर लेंगे। देखिए मसाले में हम इसको चलाते रहेंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए इसके अंदर। ये देखिए अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। लगभग 2 कटोरी हमने इसमें पानी ऐड किया था। आप चाहे तो अपने हिसाब से इसमें ग्रेवी जो है उसकी क्वांटिटी के हिसाब से पानी को ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं। तो ये हम सूखी बना रहे हैं इसलिए हमने इसमें सिर्फ 2 कटोरी पानी ही ऐड किया था। ये देखिए इसको बनने में 20 से 25 मिनट लगे थे। इसको हमने ढक कर रख दिया था और बीच बीच में इसको चलाते जाना है फ्रेंड्स, क्योंकि इसका लगने का काफ़ी संभावना रहती है। तो इसको आप बीच बीच में चलाते रहिए। और ये देखिए बनकर हमारी तैयार हो गई थी ड्रमस्टिक्स या सहजन भी इसको कह सकते हैं। तो इसको आप किसी के साथ भी खा सकते हैं। आप चाहें तो इसको रोटी के साथ, पराठे के साथ या फिर चावलों के साथ भी खा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी तरीके से मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करती रहूँगी और फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट रेसिपी के साथ।